नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं नेटड्रिक्टिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ASUS ZenFone 6 के अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ASUS ने हाल ही में चीन में अपना स्मार्टफोन ASUS ZenFone 6 लॉन्च किया है। हालांकि ये फोन अभी भारत में लॉन्च नहीं हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद भारत में इस फोन को ASUS 6Z के नाम से 19 जून को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन लॉन्च से महज 10 दिन पहले ही इस स्मार्टफोन को रीब्रांड किया गया है। आप भी सोच रहे होंगे कि ASUS ने अपने इस स्मार्टफोन को लॉन्च से पहले रीब्रांड क्यों किया है, तो आपको बता दें कि भारत में जेन मोबाइल के नाम से फोन बेचने वाली कंपनी टेलीकेयर नेटवर्क ने दिल्ली हाईकोर्ट में ASUS के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ASUS उसके ट्रेडमार्क जेन मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकेयर नेटवर्क के हक में फैसला सुनाया, जिसके बाद ASUS को अपने फ्लिप कैमरा वाले स्मार्टफोन ZenFone 6 का नाम बदलना पड़ा है। इसलिए इसे अब भारत में ASUS 6Z के नाम से बेचा जाएगा। भारत में लॉन्च होने से पहले कंपनी ने इस फोन के अपडेट्स के लिए भी रोल आउट किया है, जिससे फोन के कैमरे में कई नए फीचर्स जुड़ेंगे। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फोन के सेकेंडरी कैमरे में नाइट मोड का फीचर भी आपको मिलेगा। ये अपडेट दुनिया भर के यूजर्स के लिए कई फेज में रोल आउट किया जाएगा, यानी अगले कुछ दिनों में ये अपडेट सभी यूजर्स तक पहुंच जाएगा। ASUS ZenFone 6 के फीचर्स की बात करें तो ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 855 SoC मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ आ सकता है। फोन में दो रैम ऑप्शन 6GB और 8GB दिए जा सकते हैं। इसके स्टोरेज की बात करें तो कंपनी इसमें 128GB और 256GB स्टोरेज का ऑप्शन दे सकती है, और इसकी मेमोरी को UFS 2.1 पर आधारित स्टोरेज के जरिए बढ़ाया भी जा सकता है। फोन में 6.4 इंच की फुल HD प्लस नॉचलेस फुल स्क्रीन डिस्प्ले दी जा सकती है। OnePlus 7 सीरीज की तरह ही इसमें IPS LCD डिस्प्ले दी जा सकती है। फोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो इसमें 48+12 मेगापिक्सल का ड्यूल फ्लिप कैमरा दिया जा सकता है, जैसा कि टीजर में दिखाया गया है। इसका रियर कैमरा ही फ्लिप होकर सेल्फी का भी काम करेगा। फोन में 5000 mAh की दमदार बैटरी USB-C टाइप चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी जा सकती है। फोन एंड्रॉइड 9 पाई पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आ सकता है। भारत में इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला OnePlus 7 Pro और Oppo Reno 10X Zoom से होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।